जौनपुर से पूर्व सपा विधायक, समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी और हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान के आज मुरादाबाद पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान ने सर्किट हाउस में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप की और उसके बाद वह ठाकुर द्वारा और काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत होने चले गए। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए जौनपुर से सपा से पूर्व विधायक अरशद खान ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का जो उद्देश्य है वह ये है कि जो भी सभी व्यापारी हैं उसमें जो मजहब के नाम पर बंटवारा है, सांप्रदायिक के आधार पर बंटवारा है, उस बंटवारे को खत्म करके मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है। सभी धर्म और जाति के व्यापारियों को मोहब्बत की एक कड़ी में पिरोना है। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में काम कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है और हमारे इस संगठन से हर धर्म और जाति के लोग जुड़े हुए हैं। GST के नाम पर उत्पीड़न, टैक्स के नाम पर उत्पीड़न हम लड़ाई कर रहे हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे देश चलता है, विकास होता है, उस राजस्व की सबसे अधिक प्राप्ति सरकार को व्यापारियों से होती है। इसलिए व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल, तो आज मेरा प्रोग्राम काशीपुर में है हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का। वहाँ व्यापारियों के साथ बैठक है और जो हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के साथी जुड़े हुए उनके साथ बैठक है। उसी कड़ी में यहाँ सिर्फ साथियों से मुलाकात और कुछ बातचीत करके फिर ठाकुर द्वारा में स्वागत है, उसके बाद निकल जाएंगे काशी को। हमारे गुरवीर सिंह बेदी जी हैं जो हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हिंदुस्तान भारत किसान यूनियन। मेन चीज़ है कि हमारा जो मूवमेंट है हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का, सभी जो व्यापारी हैं उसमें जो मजहब के नाम पर बंटवारा है, सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा है, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर, वोट के नाम पर बंटवारा है, उस बंटवारे को ख़त्म करके मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है। सभी धर्म और जात के व्यापारियों को मोहब्बत की एक कड़ी में पिरोना है। हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में काम कर रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा संगठन है और हर धर्म और हर जात के लोग जुड़े हुए हैं। GST के नाम पर उत्पीड़न और फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग के नाम पर उत्पीड़न, इनकम टैक्स या ID के नाम पर जो उत्पीड़न होता है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो 70-80% जो राजस्व है, जिससे सरकारें चलती हैं, देश चलता है, विकास होता है, वो व्यापारी देता है। इसलिए व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए, उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर कभी कभी छापेमारी कार्रवाई होती है जिससे व्यापारी पता चला कहीं हाथ फेल हो जाता है और रिश्वतखोरी होती है। तो व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर कभी कभी अखबारों में छपता है कि फला व्यापारी के 20 ठिकानों पर छापे। हमारा कहना, व्यापारियों के प्रतिष्ठान होते हैं अड्डे, तो डाकुओं को होते हैं, व्यापारियों को नहीं होते हैं। व्यापारियों से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं। 3 तारीख को संत कबीर नगर खैलाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन है हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के मैंने पहले। 4 तारीख को गोरखपुर, जहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं।